तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का प्रीपोजिशन की मैराथन सीरीज में। ये मैराथन सीरीज बहुत बड़ी होने वाली है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो है मास्टर की या प्रीपोजिशन। मास्टर की या प्रीपोजिशन इससे संबंधित एक वीडियो लेक्चर इससे पहले ही आप आ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको एडजेक्टिव के साथ कौन कौन सी मास्टर की यूज किया थी वो बताया था। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ नाउन लूंगा और नाउन के साथ कौन कौन सी प्रीपोजिशन यूज किया थी वो बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, ये है आपकी अपनी क्लास एक्सेलेंस क्लास। यहाँ पे हर एक चीज, हर एक बात आपको डिटेल में बताई जाती है। तो ज्यादा देर न करते चले चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कौन कौन से नाउन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और उनके साथ कैसा प्रीपोजिशन जोड़ा जाएगा। पहला वर्ड हमारे सामने आता है, पहला वर्ड हमारे सामने अपोलोजी। अपोलोजी माने क्षमा याचना करना, और क्षमा याचना किसके लिए करना, किसी के मिसकंडक्ट, किसी के गलत व्यवहार के कारण अगर कोई क्षमा याचना कर रहा है तो वहां अपोलोजी का यूज होगा। और अपोलोजी के बाद हम लोगों को जो है प्रीपोजिशन फॉर देखने को मिलेगा। क्लियर। अब आता है अटैक। अटैक माने आक्रमण करना। अटैक माने आक्रमण करना, कहां पर आक्रमण करना, किसी के ऊपर आक्रमण करना, समबडी और सम प्लेस, किसी स्थान पर आक्रमण करना। किसी के ऊपर, किसी के स्थान पर अगर आक्रमण करना है तो वहां पर हम लोग अटैक यूज करेंगे, अटैक के साथ प्रीपोजिशन हम लोग ऑन का यूज करेंगे। क्लियर। अब आता है हमारा एम्बिशन। एम्बिशन माने महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा किसकी होती है, किसी चीज की, किसी वस्तु की महत्वाकांक्षा होती है, तो वहां पे हम लोगों को महत्वाकांक्षा के लिए एम्बिशन यूज करना। और एम्बिशन के साथ हमें जो प्रीपोजिशन यूज करनी है वो है फॉर यूज करना। ठीक। अब आता है अफेक्शन। अफेक्शन माने होता है स्नेह। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों को नए नए शब्द जानने को मिल रहे हैं, नए नए वर्ड जानने को मिल रहे हैं, ऐसे वर्ड जिनका जो मीनिंग शायद आप अभी तक न जानते रहे हों, या फिर जानते रहे होंगे तो कुछ नए वर्ड रिन्यूबल हो रहे हैं, उनके साथ प्रीपोजिशन आप जानने को पा रहे हैं, या फिर नए नए शब्द जिनको अभी तक आपने सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, वो शब्द आपको जानने को मिल रहे हैं। तो नए शब्द जानने को मिल रहे हैं, वीडियो में मजा आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करते रहते हैं तो मेरा भी मोटिवेशन हाई रहता है। अब चलते हैं अफेक्शन। अफेक्शन माने होता है स्नेह, प्रेम, किसी से लगाव। तो इसके लिए हम लोग जो किसी से लगाव होता है, किसी व्यक्ति से, किसी संबडी से, किसी से लगाव होता है, इसके लिए हम लोग प्रीपोजिशन फॉर का यूज करते हैं। फिर आता है अलियंस। अलियंस दो वर्ड के लिए यूज होता है, एक मैत्री या संधि, जो किसी के साथ दोस्ती करना, संधि करना। संधि किसके बीच में होती है, किसी किन्हीं दो देशों के बीच में होती है। और दूसरा अलियंस वो तो है जहां पे हम लोगों को दो लोगों के बीच में विवाह संबंध स्थापित होता है। तो विवाह संबंध, इन दोनों के लिए लोग जो प्रीपोजिशन जो है इसका विद का यूज करना रहता है। विद प्रीपोजिशन यूज करके हम लोग अलियंस के साथ, अलियंस किसी के साथ लगाओ, किसी देश के साथ संधि करने के लिए अलियंस अगर लगा है, या फिर किसी विवाह संबंध के लिए अलियंस लगाया जा रहा है, तो दोनों के साथ हम लोगों को प्रीपोजिशन विद का यूज करना रहता है। क्लियर। फिर है एल्यूजन। एल्यूजन माने इशारा, किसी चीज को लेकर इशारा करना, किसी वस्तु की तरफ इशारा करना, तो हम लोगों को होता है कि एल्यूजन। एल्यूजन के साथ हम लोग जो प्रीपोजिशन जोड़ते हैं वो टू का प्रयोग करते हैं। ठीक। फिर है एक्सेस। एक्सेस माने होता है पहुंच, कहीं पर किसी की पहुंच है, एक्सेस है, जिसे कहते नहीं कि उसके कमरे में उसकी पहुंच है, उसका एक्सेस है उस कमरे में जाने का, तो उसके लिए हम लोग वहां पे प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। किसी व्यक्ति तक पहुंच है, किसी स्थान तक पहुंच है, तो एक्सेस के बाद हम लोग जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो टू का यूज करते हैं। फिर आता है एश्योरेंस। एश्योरेंस माने होता है विश्वास, किसी के सपोर्ट का, किसी के जो हेल्प का, अगर हमें विश्वास है किसी के ऊपर तो वहां पे एश्योरेंस लगाते हैं, और एश्योरेंस के बाद हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। क्लियर। फिर आता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है रुचि, किसी के अंदर रुचि जो पैदा होती है वहां पर हम लोग एप्टीट्यूड का यूज करते हैं, और ये एप्टीट्यूड जो होगा किसी बिजनेस में रुचि पैदा करता है। बिजनेस का मतलब कार्य होता है, यहाँ बिजनेस का मतलब व्यापार नहीं लिखेंगे, बिजनेस का मतलब किसी भी कार्य में, किसी भी कार्य में अगर रुचि है या किसी स्टडी में, पढ़ाई में रुचि है, तो वहां पे हम लोग एप्टीट्यूड लगाएंगे, और एप्टीट्यूड के बाद हम लोग जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे वो फॉर का यूज करेंगे। क्लियर। फिर आता है हमारे सामने एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस माने होता है परिचय, और परिचय किससे, किसी व्यक्ति से परिचय हो, किसी वस्तु से परिचय हो, अ पर्सन और अ थिंग, किसी व्यक्ति किसी वस्तु से अगर परिचय है तो वहां पे हम लोग एक्वेंटेंस का यूज करेंगे, और एक्वेंटेंस के साथ जो हम लोग प्रीपोजिशन यूज करेंगे वो यूज करेंगे विद की प्रीपोजिशन। ठीक। फिर आता है एबिलिटी। एबिलिटी माने होता है योग्यता, योग्यता और क्षमता, किसी कार्य को करने की योग्यता हमारे पास है या किसी कार्य को करने की क्षमता हमारे पास है, तो हम लोग एबिलिटी का यूज करेंगे, लेकिन एबिलिटी के अलग अलग अर्थ में। जैसे योग्यता में अगर यूज करना है तो हम लोग फॉर का यूज करेंगे, किसी कार्य को कार्य करने की अगर हम योग्यता रखते हैं तो उसके साथ प्रीपोजिशन फॉर का यूज करेंगे, और किसी कार्य को करने की अगर हम क्षमता रखते हैं तो उसके साथ प्रीपोजिशन हम लोग इन का यूज करेंगे। योग्यता क्षमता में ये अंतर था, योग्यता हमारी क्वालिटी होती है और क्षमता जो हमारी होती है स्ट्रेंथ होती है,
तो योग्यता क्षमता के अनुसार हम लोग वहाँ पे प्रीपोजिशन चेंज करते रहेंगे। क्लियर। फिर आता है अप्रोच। अप्रोच माने होता है पहुँच, जैसे किसी जगह पर पहुँच है, किसी वस्तु तक पहुँच है, किसी व्यक्ति तक पहुँच है, तो वहाँ पे हम लोग प्रीपोजिशन टू का यूज़ करेंगे अप्रोच के साथ। क्लियर। फिर होता है अराइवल। अराइवल दो जगह यूज होता है, एक जहाँ पर अराइवल हो कि किसी छोटी जगह के लिए अराइवल हो, छोटी जगह पर, तो वहाँ पे हम लोग अराइवल के साथ प्रीपोजिशन एट का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वही अराइवल किसी बड़े जगह पे हो, गोंडा में पहुँच गया, तो गोंडा छोटा सा शहर है, तो छोटे शहर में अगर पहुँचा है अराइवल है तो वहाँ पे एट लगाएंगे। लेकिन अगर वहीं बड़ा शहर है, लखनऊ जैसा बड़ा शहर है, वहाँ पे कोई अराइवल है, कोई पहुँच रहा है, कोई भी व्यक्ति पहुँच रहा है, तो वहाँ पे हम लोग अराइवल के बाद इन का यूज़ करेंगे। क्लियर। फिर है अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब अधिक के मतलब प्रचुर मात्रा में, खूब ढेर सारी मात्रा में कोई चीज़ अगर उपलब्ध है तो वहाँ पे हम लोग अबंडेंस का यूज़ करेंगे, और अबंडेंस के साथ हम लोग जो प्रीपोजिशन है वो ऑफ लगाएंगे। क्लियर। फिर होता आंसर। आंसर माने होता उत्तर देना। अब किसका आंसर देना, किसी प्रश्न का, किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा है उसका आंसर देना है, और आंसर के बाद हम लोग जो प्रीपोजिशन है वो टू का यूज़ करेंगे। क्लियर। फिर है एबोरेंस। एबोरेंस मतलब होता है घृणा। घृणा मतलब किसी से हेट करना, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से अगर हेट कर रहे हैं, अवेयरेंस कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, तो उसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। क्लियर। फिर है एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस माने होता है परहेज, संयम, अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल। तो यहाँ पे हम लोग सेल्फ कंट्रोल किससे करते हैं, किसी बुरी चीज से करते हैं, बुरी आदतों से करते हैं, शराब पीने से करना, सिगरेट पीने से करना, या फिर क्या कहते हैं, और भी कोई बुरी आदत है, अगर उससे अपने आप को संयमित कर लेते हैं, परहेज कर लेते हैं, तो वहां पे हम लोग अब्स्टिनेंस का यूज करते हैं, और अब्स्टिनेंस के बाद हम लोग जो प्रीपोजिशन है वो फ्रॉम का यूज करेंगे। क्लियर। फिर हमारे पास है एक्सेशन। एक्सेशन माने किसी पद पे पहुंच जाना, किसी जगह पे पहुंच जाना, कोई बड़ी मतलब कोई बड़ा पद है किसी ऑफिस में, वहां पे पहुंचना, तो वहां पे हम लोग एक्सेशन का यूज करेंगे, और एक्सेशन के लिए हम लोग जो प्रीपोजिशन है टू का यूज करेंगे। यहां पे द थ्रोन लिखा है, थ्रोन का मतलब ये नहीं सिंहासन पे ही पहुंचना, किसी भी जगह पर यदि आप काम कर रहे हैं, वहाँ के सर्वोच्च पद पे पहुँच गए या फिर अपने से सीनियर हो गए अपने पद से आप, तो वहाँ पे उसके लिए हम लोग एक्सेशन का यूज़ करेंगे। क्लियर। फिर एकम्प्लिस। एकम्प्लिस जो यहाँ पे है, सह अपराधी, मतलब साथ में आपके अपराध करने वाला, सह अपराधी होगा, तो उसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन विद का यूज़ करेंगे। लेकिन वहीं पर एकम्प्लिस मतलब गलत कार्य में साथी, सह अपराधी और गलत कार्य में साथी दोनों में अंतर होता है, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ, मतलब कोई भी व्यक्ति यदि आपके साथ कोई अपराध करता है, कोई गलत कार्य करता है, तो वो तो आपका सह अपराधी हुआ। लेकिन अगर वही व्यक्ति आपको गलत कार्य करने में मदद करता है, मतलब डायरेक्ट आपके साथ अपराध ना करके आपको इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है, तो वो गलत कार्य में आपका साथी है। तो एकम्प्लिस, जब ऐसा व्यक्ति गलत कार्य में जो साथी मिले, उसके साथ हम लोग इनका यूज करेंगे प्रीपोजिशन, यानी किसी क्राइम करते समय आपकी मदद करे उसके साथ हम लोग इनका यूज करेंगे। क्लियर। फिर एक्यूसेशन। एक्यूसेशन का मतलब हुआ दोषारोपण। अब किसी को ऊपर दोष लगाना, कैसा दोष, किसी क्राइम का, किसी गलत कार्य का दोषारोपण करना, तो वहां पे हम लोग एक्यूसेशन का यूज करेंगे। एक्यूसेशन के बाद हम लोग जो प्रीपोजिशन है ऑफ का यूज करेंगे। क्लियर। फिर अकॉर्डेंस। अकॉर्डेंस मतलब अनुकूलता, मतलब किसी के अनुकूल, किसी की इच्छा के अनुसार कार्य हो जाना, तो वहां पर अकॉर्डेंस होता है, अकॉर्डेंस टू हिम, उसकी इच्छा अनुसार कार्य हुआ। तो अब यहां पे प्रीपोजिशन जो होगा वो अकॉर्डेंस के बाद हम लोगों को विद का यूज करना होगा, कि उसकी इच्छा के अनुसार, कि दिस वर्क हैपेंड अकॉर्डेंस विद हिम, उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी अनुकूलता के अनुसार कार्य हुआ। क्लियर। फिर एडमिशन। एडमिशन दो जगह पे होता है, एक प्रवेश, मतलब एडमिशन का अर्थ हुआ प्रवेश या भर्ती, ये तो अर्थ आप सभी जानते होंगे, एडमिशन माने प्रवेश या भर्ती, और इसी दो जगह पे होता है, एक तो होता है जहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट, मतलब किसी कॉलेज में हुआ, किसी स्कूल में आपका एडमिशन हुआ, तो वहाँ पे तो हम लोग इनटू का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर किसी फॉल्ट, किसी गलती में आपका प्रवेश हो गया, किसी गलती में आपने प्रवेश कर गए, तो वहाँ पे हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ दोनों अलग अलग चीज़ें लिखी हुई, कि प्रवेश भर्ती नहीं, इनटू एक प्लस के लिए है, फॉर किसी फॉल्ट के लिए। क्लियर। फिर अमेंड। अमेंड माने सुधार या संशोधन। अब किस चीज में सुधार, कोई गलती करेंगे तभी तो सुधार होता है। कॉपी पे लिखते समय आपने कोई गलती कर दी, तो उसको सुधार करने के लिए आप क्या करेंगे, लूट लगा के उसे सुधार करेंगे, तो कोई गलती, कोई फॉल्ट अगर आप सुधार कर रहे हैं, तो उस वहां पर अमेंड का यूज करेंगे, और अमेंड के बाद हम लोग प्रीपोजिशन फॉर का यूज करने वाले। क्लियर।
फिर एनेक्जाइटी, एनेक्जाइटी मतलब चिंता होता है, व्यग्रता होता है, उत्सुकता, उत्कंठा, अपने मन में क्या उत्सुकता होती है किसी चीज को जानने की, उत्सुकता जो होती है वहां पे एनेक्जाइटी का यूज करते हैं। एनेक्जाइटी के बाद हम लोग फॉर लगाते हैं, किसी की सेफ्टी को लेके हम लोग उत्सुक होते हैं, परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, या किसी वस्तु को जानने के बारे में उत्कंठित हो रहते हैं तो वहां पे एनेक्जाइटी यूज करते हैं। एनेक्जाइटी के बाद हम लोग प्रीपोजिशन फॉर का यूज करते हैं। क्लियर? देखिए प्रीपोजिशन एक एक वर्ड आप लिखते हुए चलिए, अगर प्रीपोजिशन आप एक एक वर्ड लिखते हुए चल रहे हैं और आपके पास सामने कहीं भी सेंटेंस बनाने की बात आ रही है और आपने प्रीपोजिशन को ठीक से याद कर रखा है, पढ़ कर रखा है, एक बार ध्यान से पढ़ रखेंगे तो आप सेंटेंस को आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि एक एक वर्ड मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ जिससे आपको कोई भी सेंटेंस बनाने में कभी दिक्कत का ना सामना करना पड़े। तो इसलिए इन प्रीपोजिशन को एक जगह पे बार बार कहता आ रहा हूँ, हर वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ कि इस सारे प्रीपोजिशन को एक जगह पे आप नोट करके देखिए जिससे कि आपको पढ़ने में समझने में आसानी रहे। फिर आता है एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है लगाव, नाता या आकर्षण, किसी से जुड़ाव होता है, लेकिन इसका जो यूज होता है वो अलग अलग जगह पे, इसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रीपोजिशन यूज होता है। जैसे कि एफिनिटी मतलब लगाव या नाता, किसी से लगाव नाता, किसी वस्तु से अगर लगाव नाता है, किसी चीज से लगाव नाता है तो उसके साथ हम लोग विद का यूज करते हैं। क्लियर? किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में अगर आकर्षण है, नाता है, रिश्ता है उनके बीच में, तो वहां पे हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं, बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और वहीं पर अगर किसी एक व्यक्ति से आपका आकर्षण है, किसी एक व्यक्ति से लगाव है, तो वहां पे हम लोग टू या फॉर, इन्हीं दोनों प्रीपोजिशन में से किसी एक प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। क्लियर? अगला वर्ड आता है एपेटाइट। एपेटाइट माने खाने की इच्छा या मोह, मतलब भूख। एपेटाइट का मतलब सही जान लीजिए कि भूख होता है, किसी भोजन को करने की इच्छा, वहां पे एपेटाइट लिखी जाती है। और भोजन करने की इच्छा, इसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन फॉर का यूज करते हैं। क्लियर? फिर एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन माने भय, डर या शंका, मतलब किसी का भय, किसी का डर। अब किसी किसका भय होता है, किसी खतरे से ही तो डर लगता है, तो किसी डेंजर, किसी खतरे से अगर भय लग रहा है, डर लग रहा है, या कि उसी खतरे की शंका आपके अंदर आ रही है, तो आप एप्रीहेंशन का यूज कीजिए। और एप्रीहेंशन के बाद जो प्रीपोजिशन लगती है वो ऑफ का यूज कराती, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते। क्लियर? फिर असॉल्ट। असॉल्ट मतलब होता है आक्रमण करना या किसी पर प्रहार करना, तो किसी वस्तु पर, किसी आदमी पर अगर आक्रमण कर रहे हैं, किसी आदमी पर आप प्रहार कर रहे हैं, तो उसके साथ आप लोग ऑन लगाइए, और ऑन किसी व्यक्ति के, और किसी वहीं किसी वस्तु पर प्रहार आप कर रहे हैं, और वहीं किसी वस्तु पे अगर आप आक्रमण करते हैं, किसी वस्तु पे प्रहार करते हैं, तो आप लोग अपॉन का यूज कीजिए। क्लियर? फिर असेंट। असेंट माने होता है सहमति, किसी के ओपिनियन, किसी के दृष्टिकोण से अगर आप सहमत हैं तो आप असेंट का यूज कीजिए, और असेंट के साथ प्रीपोजिशन टू लगाया जाता है। क्लियर? फिर अटेंशन। अटेंशन माने ध्यान देना या किसी के साथ नम्र व्यवहार करना, विनम्रतापूर्ण व्यवहार करना, तो आप लोग अटेंशन का यूज कीजिए। किसी स्टडी पे ध्यान देना, मतलब आपकी ध्यान कहाँ देंगे, किसी अपनी स्टडी पे, अपनी पढ़ाई पे अगर ध्यान दे रहे हैं तो आप लोग टू का यूज कीजिए अटेंशन के बाद। और किसी वस्तु के साथ, किसी चीज के साथ आप लोग विनम्र व्यवहार कर रहे हैं, मतलब किसी वस्तु के साथ आप लोग का व्यवहार बहुत, जैसे कि डेलीगेंट व्यवहार होता है, डेलीगेंट बिहेवियर किसी वस्तु के साथ हो कि टूट ना जाए, तो वहां पे आप लोगों को अटेंशन लगाना है, और अटेंशन के बाद टू प्रीपोजिशन यूज करना है। वर्ड हमारे सामने निकल के आता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन माने आकर्षण, और आकर्षण कहाँ होता है, आकर्षण किसी चीज के लिए, किसी वस्तु के लिए हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है, लेकिन जब भी ये आकर्षण यानी अट्रैक्शन किसी वस्तु के लिए हो तो वहां पे प्रीपोजिशन हम लोग टू का यूज करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर किसी व्यक्ति के लिए आकर्षण हमारे सामने आता है तो वहां पे हम लोग प्रीपोजिशन टू वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। क्लियर? फिर हमारा अगला वर्ड आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी माने होता है आदेश देने का अधिकार। अथॉरिटी तीन प्रकार की होती है, आदेश देने का अधिकार, विषयवेत्ता, विषयवेत्ता का मतलब हो किसी विषय का ज्ञाता, बहुत ज्यादा जानकार किसी विषय का, या फिर अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकारी। अब तीनों में अलग अलग प्रीपोजिशन जुड़ी जाती है, यानी आदेश देने का अधिकार किसको मिलता है, किसी व्यक्ति को ही मिलता है, तो अथॉरिटी वहां पे किसी व्यक्ति को जब भी आदेश देने का अधिकार मिले तो अथॉरिटी के वर्ड के बाद हम लोगों को प्रीपोजिशन ओवर का यूज करना है। क्लियर? अब वही अथॉरिटी कहीं विषय ज्ञाता के पास के लिए यूज हो रही है, किसी विषय वेत्ता के लिए यूज हो रही है, किसी सब्जेक्ट के अच्छे जानकार के लिए अगर अथॉरिटी यूज हो रही है तो वहां पर हम लोग प्रीपोजिशन ऑन का यूज करेंगे अथॉरिटी के बाद। क्लियर? और वही अथॉरिटी वर्ड जब किसी अधिकारी के लिए यूज किया जा रहा है, किसी ऑफिसर के लिए यूज किया जा रहा है, तो वहीं पर अथॉरिटी के बाद हम लोग फॉर का यूज करेंगे। अधिकारी क्या होता है, किसी कार्य को करने में सक्षम होता है, कोई भी कार्य अगर उसके सामने आए तो वो करने में सक्षम हो तो वो ऑफिसर होता, उसी वहां पर अथॉरिटी के बाद हम लोग जो है प्रीपोजिशन फॉर का यूज करेंगे। क्लियर? फिर अडेरेंस।
अडेरेंस मत जो है अबोरेंस का जस्ट अपोजिट है। अबोरेंस मतलब होता है घृणा और अडेरेंस का मतलब होता है लगाव। और जब ऐसा वर्ड आए किसी रूल से लगाव है, किसी नियम से, किसी परंपरा से, किसी ट्रेडिशन से अगर ज़्यादा लगाव है, ज़्यादा चिपकाव है, तो वहाँ पे अडेरेंस वर्ड यूज होता है। और अडेरेंस के बाद हम लोग प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। क्लियर। फिर आता है वर्ड हमारे सामने अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, किसी कार्य को करने का विकल्प, ये नहीं किया तो वो कर लिया। तो किसी कार्य को करने का विकल्प अगर हमारे सामने आता है तो वहाँ पे अल्टरनेटिव यूज करते हैं, और अल्टरनेटिव के बाद हम लोग प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। क्लियर। फिर है एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब हो समानता, यानी एक सा, कोई देखने में एक जैसे लग रहे हैं, एक सा समानता है उनके दोनों के बीच में, तो वहाँ पे हम लोग जो एनालॉजी का यूज करते हैं। और एनालॉजी मतलब किसी वस्तु के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि ये दो पेन आप देख लीजिए, दोनों पेनों में समानता है, एक ब्लू है एक रेड है, लेकिन है दोनों एक ही कंपनी की, एक ही मॉडल पेन है, तो दोनों में समानता है, ये दो वस्तुएं हैं, तो इन दोनों के बीच में एनालॉजी है, और एनालॉजी बिटवीन टू पेन्स, ये किसी वस्तु के लिए हो गया। क्लियर। फिर आता है एनिमोस्टी। एनिमोस्टी का मतलब हो शत्रुता, मतलब दुश्मनी, एनिमिटी, तो वहीं पे एनिमोस्टी यूज करते हैं। और एनिमोस्टी किसके बीच में होती है, किन्हीं दो व्यक्तियों के, किसी व्यक्ति से आपकी एनिमोस्टी मतलब दुश्मनी या शत्रुता हो सकती है, तो वहां पे एनिमोस्टी के बाद हम लोग जो वर्ड प्रीपोजिशन है वो प्रीपोजिशन अगेंस्ट का यूज करेंगे। क्लियर। कि एनिमोस्टी के बाद हम लोग प्रीपोजिशन अगेंस्ट का यूज करेंगे। फिर हमारे पास अगला वर्ड आता है एवर्जन। एवर्जन का मतलब हुआ घृणा। अब घृणा किससे हो सकती है, किसी वस्तु से भी घृणा हो सकती है, किसी व्यक्ति से भी घृणा हो सकती है, तो दोनों के लिए अलग अलग प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। यानी किसी वस्तु से अगर घृणा है तो आप लोग जो है एवर्जन के बाद फ्रॉम का प्रीपोजिशन यूज करेंगे, अगर किसी व्यक्ति से घृणा है तो आप एवर्जन के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। क्लियर। फिर एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब जानते हैं प्रतिरोधी दवा, जैसे कहते हैं एंटीबायोटिक ले आओ, तो एंटीडोट भी प्रतिरोधी दवा यानी इंजेक्शन होता है एक तरीके का, कि शरीर में अगर कोई इन्फेक्शन अगर आपके फैल रहा है तो एंटीडोट देकर उस इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। तो उसके बाद जो एंटीडोट के बाद हमें प्रीपोजिशन यूज करना रहेगा वो अगेंस्ट का यूज करना रहेगा। क्लियर। फिर आता है हमारे सामने दूसरा एंटीडोट। एक एंटीडोट जो होता है प्रतिरोधी इंजेक्शन होता है, दूसरा एंटीडोट होता है विषनाशक। और विषनाशक किसके प्रति यूज किया जाता है, विष के प्रति, यानी पॉइजन के प्रति अगर एंटीडोट यूज किया जा रहा है तो एंटीडोट के बाद हम लोग टू का यूज करेंगे। क्लियर। अगला वर्ड हमारे सामने आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड तो बहुत सारे लोग बोलते होंगे, एटीट्यूड का मतलब बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, मतलब अड़ियल रवैया है, अड़ियल रुख है उसका, तो एटीट्यूड उसे कहते हैं रवैया या रुख के लिए। और किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के प्रति उसका मतलब किसी का भी एटीट्यूड आपको देखने को मिल सकता है, तो वहां पर आप प्रीपोजिशन टू वर्ड का यूज करेंगे। क्लियर। फिर है अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब हुआ लगाव, किसी चीज से प्रेम, लगाव, अटैचमेंट है आपका उससे ज्यादा अटैचमेंट है, तो लगाव या प्रेम। और ये लगाव या प्रेम किसी व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, किसी वस्तु के लिए भी हो सकता है, दोनों के लिए अटैचमेंट हो सकता है। तो अगर अटैचमेंट किसी व्यक्ति या वस्तु दोनों के लिए है तो अटैचमेंट के बाद हमें प्रीपोजिशन टू का यूज करना रहता है। क्लियर। फिर हमारे सामने अगला वर्ड आता है बार्गेन। बार्गेन मतलब होता है मोल भाव करना। दुकान पे जाते हैं आप, सामान खरीदते हैं, मोल भाव करते हैं कि ये इतने में चाहिए, नहीं ये इतने में चाहिए, दुकानदार ने कुछ और भाव बताया, आपने कुछ और भाव बताया, तो वहाँ पे आप बार्गेनिंग करते हैं, तो वही बार्गेन मतलब मोल भाव करना। और मोल भाव करने के साथ आप किसी व्यक्ति के साथ ही तो मोल भाव करते हैं, दुकानदार व्यक्ति तो होता है, तो मोल भाव अगर किसी व्यक्ति के साथ करते हैं तो बार्गेन के बाद हम लोग प्रीपोजिशन विद का यूज करेंगे। क्लियर। फिर आता है बैटल। बैटल माने युद्ध या संग्राम, बड़ा युद्ध या बड़ा संग्राम जो होता है, तो किसी व्यक्ति के साथ, किसी मतलब व्यक्ति मतलब एक सेना के साथ आपका जो बैटल चल रहा है, तो बैटल वर्ड के बाद हम लोग प्रीपोजिशन विद का यूज करते हैं। क्लियर। और किसी वस्तु के साथ मतलब कोई भी आपने मूवी, हॉलीवुड मूवी देखी होगी, तो उसमें एक वस्तु होती है, कंप्यूटर जनित प्रोग्राम होता है, उससे बैटल चलता रहता है, या फिर और कोई वस्तु हुई उससे, मतलब कोई सामान हो गया दुनिया में, मतलब ऐसा कोई चीज की जो आप जिससे, जिसके प्रति आपको उसको दबा के रखना है, आपको वो नुकसान पहुंचा रही है, तो उस वस्तु के प्रति अगर बैटल आपका चल रहा है तो उसके लिए आप प्रीपोजिशन फॉर का यूज कीजिए। क्लियर। फिर होता है बार। बार माने होता है रोक, किसी मतलब कोई भी कहीं पर भी पहुंचने की रोक लगा देना, कहीं पर सफलता की रोक लगा देना, वहां पे आता है बार। और बार के बाद हम लोग प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। क्लियर। फिर आता है ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन।
फिजिकल अंधापन नहीं, मेंटली अंधापन यहाँ पे दिखाया बताया गया है। तो ब्लाइंडनेस मतलब जो मेंटली अंधापन होता है, मतलब आपको आपकी कमियां नहीं दिखाई देती है, किसी अभिभावक को अपने बेटे की कमियां नहीं दिखाई दे, तो वो फिजिकली तो अंधा नहीं होता लेकिन वो मेंटली अंधा होता है। तो यहाँ पे ये ब्लाइंडनेस मेंटली अंधापन के लिए कहा गया है, और जब मेंटली अंधापन के लिए ब्लाइंडनेस यूज किया जाए तो उसके लिए आप टू का यूज कीजिए प्रीपोजिशन। क्लियर। फिर होता है बिलीफ। बिलीफ मतलब होता है विश्वास, किसी ट्रेडिशन पे, किसी परंपरा पे आपको अगर विश्वास है, आपकी कम्युनिटी को विश्वास है, तो वहाँ पे प्रीपोजिशन बिलीफ का यूज कीजिए। और बिलीफ जो कम्युनिटी पे विश्वास होता है वो लाइफ में ही तो होता है, कि जीवन के साथ कौन सी परंपरा, कौन सा ट्रेडिशन चल रहा है, तो वहाँ पे बिलीफ वर्ड यूज होगा। और बिलीफ वर्ड के बाद हम लोग जो प्रीपोजिशन है इनका यूज करेंगे। क्लियर। फिर आता है बेसिस। बेसिस मतलब आधार या बुनियाद, किस आधार पे आपने, किस बेसिस पे आपने कार्य किया, किस आधार पे आपने कार्य किया, तो वहां पे आपको किसी कार्य को करने, किसी वस्तु को, किसी वस्तु के प्रति आपका कोई आधार होता है, कोई बेसिस होता है, तो बेसिस वर्ड के बाद आप लोग प्रीपोजिशन फॉर का यूज कीजिए। क्लियर। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर मैं समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर में मैंने जितने भी नाउन बताए हैं इनके साथ जो जो प्रीपोजिशन मैंने आपको बताई, ये सारी प्रीपोजिशन आपने नोट कर ली होगी, और अगर नोट नहीं की है तो वीडियो को बैक कीजिए और जाइए देखिए कि कौन कौन सा वर्ड, कौन कौन सी प्रीपोजिशन मैं आपके लिए लेकर आया था, उसको आप नोट कर लीजिए और नोट करके याद कीजिए, क्योंकि इससे आपके दो फायदे होने हैं। एक तो आपको वर्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन जोड़ी जाएगी वो क्लियरली पता लग जाएगा, और साथ ही साथ आपको नए नए वर्ड्स की हिंदी मीनिंग भी पता लग जाएगी, जिससे आपका वर्ड बैंक भी मजबूत होगा। और आप अच्छी तरीके जानते हैं कि इंग्लिश अगर सीखनी है तो आपको आपका वर्ड बैंक मजबूत करके रखना पड़ेगा, तो वर्ड बैंक को भी अपनी मजबूत कीजिए, साथ ही साथ प्रीपोजिशन भी सीखते रहिए, खेल खेल में सीखते हैं, और फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।